अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि योग हिंदू है या मुसलमान। हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने योग को धार्मिक आधार पर बांट दिया है। बहुत सारे लोग अपने धर्म के आधार पर योग करने से इनकार कर देते हैं और समाज को बांटने वाली सोच का प्रचार प्रसार जमकर करते हैं। लेकिन 99% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले सऊदी अरब में योग सुपरहिट हो चुका है और वहां एक महिला को योग शिक्षक बनाया गया है। हमने सऊदी अरब की पहली योग शिक्षक का एक इंटरव्यू किया है। इस महिला का नाम है नऊफ अल मरवाई। आज ये महिला उन लोगों को बहुत करारा जवाब देने वाली है जो योग को भी धर्म के आधार पर बांटने का काम करते हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये नऊफ हैं जो सऊदी अरब के जेद्दा में रहती हैं। ये 19 वर्षों से योग कर रही हैं। सऊदी अरब में योग का प्रचार करने के लिए वर्ष 2010 में नऊफ ने एक अपनी संस्था बनाई जिसका नाम है अरब योगा फाउंडेशन, जो पिछले कई वर्षों से सऊदी अरब के लोगों को योग सिखा रही है। उनकी संस्था में 45 योग शिक्षक हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से 30 से ज्यादा योग शिक्षक महिलाएं हैं। इस महिला को योग की प्रेरणा अपने पिता से मिली थी। नऊफ के पिता एक मार्शल आर्ट ट्रेनर थे। मार्शल आर्ट्स में एकाग्रता की बहुत जरूरत होती है, इसलिए योग और ध्यान का अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे माहौल में नऊफ बचपन से ही योग अभ्यास करने लगी थी। नऊफ के इस समर्पण से सऊदी अरब की सरकार बहुत प्रभावित हुई और इसके बाद उन्होंने सऊदी अरब की पहली आधिकारिक योग शिक्षिका का दर्जा उन्हें दे दिया। ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि अब सऊदी अरब में योग को एक खेल के तौर पर आधिकारिक मान्यता मिल गई है। एक तरफ सऊदी अरब की महिला योग शिक्षिका नऊफ है जिन्हें वहां की सरकार सम्मानित करती है, उनका सम्मान करती है, आदर करती है, और दूसरी तरफ भारत की एक और योग शिक्षिका राफिया नाज है जिन्हें हमारे देश के कट्टरपंथी लगातार अपमानित कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने आपको राफिया नाज के बारे में बताया था। राफिया रांची में अनाथ बच्चों को योग सिखाती हैं और इसी वजह से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। पिछले 3 साल से कुछ कट्टरपंथी राफिया को योग छोड़ने के लिए धमका रहे थे। जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो कट्टरपंथियों ने उनके घर पर पथराव किया। 10 नवंबर को हमने इसी विषय पर आपके लिए एक कार्यक्रम किया था। राफिया नाज रांची से जी न्यूज के साथ लाइव बातचीत कर रही थी। वो पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रख रही थी, लेकिन इसी दौरान बहुत सारे कट्टरपंथी राफिया के घर के सामने इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे और इस दबाव की वजह से इसी शो के दौरान राफिया की आंखों में आंसू आ गए थे, वो रोने लगी थी। ये देश के लिए बहुत शर्म की बात है। जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद राफिया नाज के घर के सामने सरकार ने CCTV लगवाए और अब उन्हें धमकियां नहीं मिल रही और पुलिस भी उनकी सुरक्षा का खास ख्याल कर रही है। लेकिन इससे ये मुद्दा समाप्त नहीं होता। आज भी वो सोच जिंदा है जो समाज को धर्म के नाम पर बांटने का काम करती है। आज हम देश के उन मौलानाओं और उन कट्टरपंथियों को आईना दिखाना चाहते हैं जो योग को इस्लाम के खिलाफ बताते हैं और योग का विरोध करते हैं। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है और वहां पर शरीयत का पालन किया जाता है। योग का विरोध करने वाले तमाम कट्टरपंथियों को आज ये बताना चाहिए कि अगर योग इस्लाम और शरीयत के खिलाफ है तो सऊदी अरब जैसे देश में एक महिला को योग की शिक्षक का आधिकारिक दर्जा कैसे और क्यों दिया गया। ऐसे कट्टरपंथियों को आज सऊदी अरब की योग शिक्षिका नऊफ की बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। हो सकता है नऊफ की बातें कट्टरपंथियों को अच्छी ना लगें और उन्हें समझ में भी ना आए, लेकिन इससे ना तो हमें कोई फर्क पड़ता है और ना ही नऊफ को। कुल मिलाकर हमारा संदेश यही है कि कट्टरपंथियों को अपनी सोच बदलनी ही पड़ेगी। Saudi citizens are very open to healthy lifestyle and they're very health conscious. So it was very easy to talk to them through media and explain to them about yoga. I've been diagnosed with lupus and I suffered with my joints, with my digestive system, with my allergies, and I was unable to really function at school and I had to stop school in the high school for one whole semester. And then my dad is the Martial Arts Federation founder in the Arab countries and he taught all the self-defense and martial arts techniques in military as well. So he was exposed to yoga. I found this book at home and I get interested in learning more about it to at least do something because I love sports and they wouldn't let me do anything.
I faced a lot of difficulties in family, not my close family, like my dad and mom were very supportive, but I mean, other relatives, they were very critical of this, and they thought that I'm destroying my career. But lately, the same relatives came to our center for consultations and training. Saudi society is not very open to the idea of trying something might be unapproved. So I had to do a lot of awareness campaigns and TV shows and speak to them since 2005. Yoga is so systemic and designed. Certain controlled moves with breath have different effects on the nervous system, and that also affects the endocrine system, the cardiovascular system, and of course the muscular system. So it was very important to explain that scientifically. So now the community of yoga is huge. Like in Jeddah alone, there are more than 8,000 yoga practitioners, which is very impressive. जब दुनिया में कहीं भी कोई व्यक्ति योगासन और प्राणायाम करता है, तो उसकी हर सांस से भारत के लिए धन्यवाद की आवाज आती है। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन भारत में ही रहने वाले कुछ लोग धर्म के ठेकेदारों के सामने शीर्षासन करने में व्यस्त रहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें पूरी दुनिया में योग की गूंज अब भी सुनाई नहीं देती। ये लोग देश को बदनाम करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। हमें इस नेगेटिव सोच का विरोध करना होगा, और इसके लिए आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है।